प्लॉट ग्राफ, एक्साइड करो प्लॉट बी। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। अंदर पे एक्सिस पे करो स्टार्ट, वंस अंदर के कोसियो ग्राफ ही त्रयम वड़ी ना ना वड़ी के ये ग्राफ या स्मॉल आर गई डिस्टेंस, कैपिटल आर गो रेडियस सुचु कांस्टेंट। वंस बेटा बी छ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ना स्मॉल वंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ चा ओरिजिन पे खासा बजे मान स्ट्रेट लाइन है के ये। मगर ये ग्राफ का थी नी शाबाश, ये ग्राफ का थी ओनली इनसाइड, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस ग्राफ इज वैलिड ओनली इनसाइड। अगर लेफ्ट साइड पे काम बनाए दिस बन गए फिट, ये गो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेसेस पर गो मैक्सिमम, सरफेसेस पर मैक्सिमम, मास ऑफ ओवर नेवर कैन कुछ ग्रैब है शाबाश, नेवर कैन कुछ ग्रैब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नेवर कैन इनवर्स ग्रैब सो हाइपरबोलिक ठीक है, नेवर कैन गो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेव लेंथ 540 नैनोमीटर, नैनो क्यों वो भूत कला बनो 540 इंटू 10^-9 मीटर ठीक छा। आर एमिटेड पर सेकेंड, आर एमिटेड पर सेकेंड वन यानी कि एन बाई टी सारा बाय 100 वाट लैंप पावर को देख शबाश 100 वाट वन फॉर्मूला क्या है एन बाई टी एस क्यों फॉर्मूला P divided by EP में आसान ये ताई हुए P को तक 100 EP बाद क्या लगा SC by lambda चलो बेटी ये दूसरा क्वेश्चन है। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी एफ है, पार्टिकल SHM कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एफ। ये बोलता है काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, क्या वो एफ है? नो no। क्यों? काइनेटिक एनर्जी में होता है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो स्क्वायर इक्वेशन है, स्क्वायर इक्वेशन की फ्रीक्वेंसी 2f होती है, ये 2f होती है। आपको देखना है क्या क्या डिके हुआ है। जड है बेटा, जड को बना जेड प्लस वन, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन। मास नंबर ए है, इसका भी मास नंबर ए, मास नंबर दोनों को क्या रहा है सेम। किस डिके से होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय वन, मास नंबर भी नहीं सेम, बीटा डिके हुआ है पहले बेटा, ये बीटा डिके हुआ है, तो पहले बीटा डिके हुआ है। ये जेड प्लस वन, ये वाई था बेटा, यहाँ पे है जेड प्लस वन ऊपर ए, ये के है बेटा जेड माइनस वन ए माइनस फोर। एटॉमिक नंबर था जेड प्लस वन, अब इसको बना जेड माइनस वन, एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हुआ है? एक से नहीं नहीं दो से, क्योंकि ये प्लस वन है, प्लस वन को फिर जीरो बन जाएगा, उसके बाद माइनस वन बन जाएगा, सो एटॉमिक नंबर हैज डिक्रीज बाय टू, इसमें और इसमें दो की डिफरेंस है। मास नंबर हैज डिक्रीज बाय फोर, देखिए बेटे ये यूरेनियम है 92-236 ठीक है, इसने दिया एक न्यूक्लियस एक्स जिसका मास नंबर 117, वाई इसका मास नंबर भी 117, मुझे लगता है इसमें कुछ एरर है, प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। यूरेनियम जो है बेटा इसने दिया एक्स प्लस वाई प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक्स ये एक्स है बेटा है 117 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये है 236 ठीक है बेटे। तो ये बोलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी नहीं पर न्यूक्लियन की 8.5 है, इसकी भी 8.5 है। न्यूट्रॉन की इसने नहीं दी है, मीन्स की ये नहीं लेनी है। यूरेनियम की जो है 7.6, ये बाइंडिंग है। और बोलता है एनर्जी कितनी रिलीज होगी, व्हाट इज एनर्जी रिलीज, बेटा ब्या क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ, टी हाफ है, कितनी है हाफ लाइफ इसकी 600 ईयर्स। हाँ कितने टाइम बाद what amount of what will be what amount will remain
प्रेजेंट कितना होगा 3000 इयर्स के बाद, जब टाइम होगा 3000 इयर्स, ये कूत प्रेजेंट वनु से बेटा फार्मूला क्या एन इज प्रेजेंट गे एन इक्वल टू एन नॉट इंटू वन बाई टू पावर एन, ठीक है फ्रैक्शन प्रेजेंट गो बेटा एन बाई एन नॉट क्योंकि इसने वन में आंसर लाया है, वन बाई टू पावर एन।